दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद श्रीलंकाई दिग्गजों ने उड़ाया भारत का मजाक और कह डाला कुछ ऐसा जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और आखिरकार श्रीलंकाई दिग्गजों ने जीत के बाद भारत का मजाक उड़ाते हुए क्या बयान जारी किया, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, बाबर आजम और कुशल मेंडिस में कौन है बेहतर सलामी बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए महत्वपूर्ण मुकाबले में सबसे पहले विरोधी टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां विरोधी टीम ने भारत को 20 ओवर में 173 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाने दिए। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 72 रन की पारी खेली, परंतु श्रीलंका की तरफ से दिलशान मधुशंकर ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। वहीं दासुन शनाका और करुणारत्ने ने 2-2 विकेट हासिल किए और इसके अलावा महेश ने 1 विकेट हासिल किया। लेकिन अब श्रीलंका की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग साझेदारी 97 रन की रही, जहां कुशल मेंडिस ने 57 और निशंका ने 52 रन की पारी खेली। और इसके अलावा लगातार 4 विकेट गिर जाने के बाद अंत में भानुका राजपक्षे ने 25 और दासुन शनाका ने 33 रन की नाबाद पारी खेल भारत को रोमांचक तरीके से 1 गेंद पर 6 विकेट से हरा दिया और लगातार तीसरी जीत एशिया कप के टूर्नामेंट में दर्ज करी। और इस शानदार जीत के बाद श्रीलंकाई दिग्गजों का भारत का मजाक उड़ाते हुए बयान सामने आया, जिसमें कुमार संगकारा ने कहा कि वो कुछ और समय था जब भारत को लगातार सभी टीम हराने का प्रण लेकर एशिया कप में उतरती थी और आज वो समय दोबारा से लौट आया, क्योंकि भारत की टीम ने शुरू में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करी थी, लेकिन बीच में भारतीय टीम को हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था और इस समय भी भारत काफी ज्यादा मजबूत है, परंतु भारत अपनी गलतियों के कारण इस समय हार का सामना कर रहा है। लेकिन श्रीलंका की टीम ने भारत को कम नहीं आका और अपना पूरा 100% योगदान देते हुए जीत दर्ज करने के लिए भारत के सामने मजबूत होकर उतरे और जिसका रिजल्ट श्रीलंका को मिला। तो वही मुथैया मुरलीधरन ने कहा कि भारतीय टीम का खौफ पूरी दुनिया में इस समय है, लेकिन भारतीय टीम इस समय काफी ज्यादा कमजोर श्रीलंका के सामने दिखाई दे रही है और श्रीलंका की टीम ने इसी का फायदा उठाते हुए मजबूत प्रदर्शन कर भारत को ऐसा मजा चखाया है ना कि जिसके बारे में शायद भारत ने खुद नहीं सोचा होगा। और भारतीय टीम ने वैसे तो बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, लेकिन यहाँ श्रीलंका की मजबूत और संतुलित टीम के सामने भारत को हार का सामना करना पड़ा है और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो भारत आने वाले समय में सबसे नीचे पहुंच जाएगी। तो वहीं महिला जयवर्धने ने कहा कि भारतीय टीम को लगातार जीत की आदत लग चुकी थी, ऐसे में भारत को हार बर्दाश्त नहीं होती, परंतु श्रीलंका की टीम ने इसी चीज को दोहराया और लगातार जीत दर्ज करने की आदत को इस एशिया कप में दोहराने का कार्य किया, जहां एशिया कप में लगातार 2 मुकाबले जीतने के बाद भारत काफी ज्यादा संतुलित दिखाई दे रही थी। तो वहीं श्रीलंका की टीम ने भी 2 मुकाबले जीतकर अपने आप को आत्मविश्वास से परिपूर्ण कर लिया, लेकिन इस मुकाबले में भारत को हराकर श्रीलंका ने विशाल काय बढ़त हासिल करी और ऐसे में भारत को दिखा दिया कि भारत से ज्यादा मजबूत इस एशिया कप में श्रीलंका की टीम है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत की टीम इस मुकाबले में जिन खिलाड़ियों के साथ उतरी है वो श्रीलंका को हराने के लिए सक्षम थे या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।